सोलन नगर निगम बन चुका है और नगर निगम पर चुनावों के बाद कांग्रेस का कब्जा हो चुका है। अब नगर निगम सोलन का पहला मेयर कौन होगा, इसको लेकर कांग्रेस में जोड़ तोड़ चल रही है। सभी जीते हुए पार्षदों की महत्वाकांक्षाएं चरम पर हैं। वहीं सोलन के मतदाता जिन्होंने कांग्रेस को बहुमत देकर जीत दिलाई, उन्हें भी बहुत सी आशाएं कांग्रेस के नए मेयर से हैं। सोलन शहरवासियों ने कहा कि वे पिछले कई वर्षों से सोलन में विकास की बात जो रहे हैं, लेकिन अभी तक विकास ठीक से नहीं हो पाया है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार सोलन का पहला मेयर शहर की समस्याओं से उन्हें निजात दिलवाएगा। शहरवासियों के अनुसार सोलन में सबसे बड़ी समस्याएं पार्किंग, पानी और कूड़ा प्रबंधन की हैं। उन्होंने कहा कि ये मूलभूत सुविधाएं भी नगर परिषद उन्हें उपलब्ध नहीं करवा पाई है, जिसकी वजह से उन्हें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। पानी के भारी भरकम बिल आ रहे हैं, जिसकी वजह से मंदी के दौर में उन पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कूड़े का बिल अदा करने के बाद भी कूड़ा उनके घर के आगे ही बिखरा पड़ा रहता है, जिसकी वजह से शहर की सुंदरता को भी क्षति पहुंचती है। उन्होंने कहा कि पार्किंग ना होने की वजह से शहर में हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। मजबूरी में वाहन सड़कों पर खड़े करने पड़ते हैं, अक्सर चालान भुगतने पड़ते हैं। शहरवासियों ने कहा कि अब नई नगर निगम बनती है तो उम्मीद है कि उन्हें कुछ राहत मिलेगी। हर वार्ड की एक अपनी समस्या है। यहाँ पर अब नगर निगम बनी है तो 17 वार्ड यहाँ पे हो चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या तो पार्किंग की हर वार्ड के बीच में है। सोलन शहर में जो सबसे बड़ी समस्या है वो पार्किंग की है। पार्किंग की समस्या क्योंकि हर घर के बीच में अब 2 या 3 गाड़ियाँ हो चुकी हैं, और मतलब कि पार्किंग की इतनी समस्या कि जिसकी वजह से जो है जगह जगह जाम लग जाते हैं, जगह जगह लोगों को मतलब आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी समस्या तो पार्किंग की है। और जैसे मैंने पहले बताया कि एक जो म्यूनसिपल कमेटी की ओर से मतलब कि एक नजायज जो बिल लगाए गए हैं, पानी का है, कूड़े का है और अदर चार्जिंग जो उनको लगाई टैक्सीज में उन्होंने बढ़ोतरी की है, उससे भी लोग काफ़ी परेशान हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब नगर निगम बनने से सोलन शहर का जो बजट काफ़ी बढ़ गया है, उसमें पार्किंग की समस्या और जो छोटी छोटी समस्याएँ जो छोटे छोटे परिवार को आती है, उसमें मैं लगता हूँ जो आज कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है, अगर अब बड़े मुद्दों पर खड़ी उतरेगी तो मैं समझता हूँ कि जनता को राहत की सांस मिलेगी। देखिए समस्याएँ तो जगह तो उतनी है, पॉपुलेशन बड़ी है। अब इस सोलन शहर पूरे हिमाचल प्रदेश के बीच में ऐसी सिटी है जिसको सब लाइक करते हैं। यहाँ पंजाब के, हरियाणा के, कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ के यहाँ के लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं। जगह तो उतनी ही है। अब आप समझिए कि आप वार्ड नंबर हमारा 6 नंबर वार्ड है, ये पहले 7 नंबर वार्ड हुआ करता था। यहाँ की पॉपुलेशन खाली मेरे ख्याल से 800-900 वोटर यहाँ पे हुआ करते, आज यहाँ पे 2400 वोटर हैं। तो सबके पास गाड़ियाँ हैं, सबके पास हर किस्म की उनको जो दिक्कत हो आएगी। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है हमारे सोलन शहर में पानी की। दिन प्रतिदिन बिल पे बिल बढ़े जा रहे हैं और समस्या वहीं की वहीं है। समस्या में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है जी। दूसरी समस्या है हमारी कूड़े करकट को लेके। अब दुनिया भर का कूड़ा गलियों में पड़ा है, उसको कोई उठाने वाला नहीं है, ठीक है। और वहाँ से निकलना, वहाँ इतनी ज़्यादा स्मेल है, निकलना ही बहुत मुश्किल है वहाँ से। निजात पाने के लिए देखो जी, एक तो ये है कि जो हमारा पानी का बिल आ रहा है इसमें कुछ कटौती तो होनी चाहिए। इतना बिल तो पहले भी नहीं आता था जितना अब आता है। पानी वही दूसरे तीसरे दिन, तो इन सब चीज़ों को लेके जो है हम परेशान तो है ही हैं। सोलन में सबसे बड़ी समस्या तो पहले पार्किंग की है, क्योंकि आप कहीं भी, मैं यहाँ कोटला नाला में मेरी शॉप है और आप यहाँ कहीं भी गाड़ी लगा दें तो 500 रुपये का चलान आपका शगुन साथ के साथ कट जाएगा। और उसके बाद पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा मैं 15 नंबर वार्ड का निवासी हूँ, पवन विहार में रहता हूँ, और वहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो मुझे दिखती है वो एम्बुलेंस रोड की है। वहाँ पे पिछली बार भाजपा सरकार आई थी, उन्होंने हमें दिलासा दिया था कि एम्बुलेंस रोड बन जाएगी। इस बार कांग्रेस की सरकार आई है, उन्होंने भी बोला कि एम्बुलेंस रोड के बारे में कि हम बना के देंगे। बाकी कूड़े की समस्या है,